कैसे हो आप लोग? और आज मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था वीडियो बनाने के लिए, और क्यों मन नहीं था मैं सब ये बताऊंगी आप लोगों को। तो प्लीज़ मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और आप लोग ही डिसाइड करिएगा मैं वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं। तो पहले मैं मतलब वीडियो बनाती थी टिकटॉक पे, तो टिकटॉक पे वीडियो बनाना शुरू किया था मैंने। जब शुरू बार मुझे उतना मतलब बनाना भी नहीं आता था, तो मैंने शुरू शुरू में टिकटॉक वीडियो स्टार्ट किया था बनाने के लिए, और उस वीडियो को मैं अपने फेसबुक पर अपलोड करती थी। फेसबुक पर अपलोड करती थी जो वीडियो मैं, तो मेरे जो रिश्तेदार हैं, जो मेरे अपने हैं, वो वीडियो देखकर वो लोग मतलब मुझे कमेंट करने लगे और मुझे मना करने लगे, तो वीडियो मत बनाया कर, वीडियो क्यों बनाती है, मतलब हमारे यहाँ ये वो, मतलब बहुत कुछ, मतलब बहुत सारी बातें बोलने लगे। तो हमारे बिहारी में तो ऐसा ही होता है, लेडीज़ कुछ करे तो बहुत ही बड़ा, मतलब जैसे मैंने वीडियो बना के बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, वैसा वैसा कमेंट करने लगे मुझे सब लोग। तो मुझे भी डर लगने लगा था, थोड़े दिन के लिए मैंने वीडियो छोड़ दिया था बनाने के लिए। फिर मैंने सोचा कि मैं अपने घर पे वीडियो बना रही हूँ, मैं अपने नेट खर्च करके वीडियो बना रही हूँ, मैं अपना मतलब अपने पैसे से नेट भरा रही हूँ और अपना सारा काम करके तब वीडियो बना रही हूँ, तो बाकी के लोग जो बोले बोले, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर मैंने शुरू कर दिया, पूरा कंटिन्यू वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए, मैंने कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, मैं वीडियो बनाती रही। उसके बाद जब टिकटॉक बंद हो गया तो सब लोग का फ़ोन आने लगा, जो जो लोग मुझसे बात नहीं करते थे उन लोगों का भी मुझे, मतलब जो रिश्तेदार हैं उन लोग का भी मेरे पास कॉल आने लगा, मैसेज आने लगा। वो लोग कहने लगे कि क्या हुआ, अब तो टिकटॉक बंद हो गया, अब क्या करेगी, अब तो बना वीडियो कैसे बनाएगी। तो फिर मैंने थोड़े दिन तक मैं वीडियो नहीं बनाई, टिकटॉक बंद हुआ था तो थोड़ा मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं वीडियो बनाना मतलब बंद ही कर दी थी। फिर मैंने दूसरे ऐप, जो इंडियन ऐप जो चालू हुए थे, उस पर मैंने वीडियो बनाना मतलब शुरू किया। तो वो उस पर जब मैंने वीडियो बनाने लगा, फिर मैंने फेसबुक पे अपलोड करना शुरू कर दिया। फिर वो लोग वीडियो देखने लगे मेरे, फिर देख के फिर कमेंट करने लगे, फिर से तो चालू हो गए, फिर वीडियो बना रही है, वीडियो बनाना बंद करो, कब बंद करोगी, ऐसा वैसा मतलब बहुत कुछ लिखते थे। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मेरे हस्बैंड ने बोला जो बोलते हैं उन्हें बोलने दो, मैं मतलब मैं जब मना करूँगा तब तुम वीडियो मत बनाना। तब से मैंने मतलब सारे सब लोगों को बातों को इग्नोर करके मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया, और मैं अभी तक वीडियो बनाती हूँ। तो आज मेरे पास किसी रिश्तेदार का एक कमेंट आया था कि तू बस कर, अब वीडियो मत बना। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, मैं अपने पैसों से नेट भराती हूँ और अपना सारा काम करके वीडियो बनाती हूँ, तो आप लोग कौन होते हो वीडियो मना करने वाले कि वीडियो मैं बनाऊँ ना बनाऊँ, आप लोग कौन होते हो बोलने वाले। तो उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं वीडियो बनाना नहीं बंद करूंगी, और मैं क्यों बंद करूं, मैं अपना काम करके सब करके अपना वीडियो बनाती हूं, मैं अपने मोबाइल पे बनाती हूं, और जिन लोगों को मेरा वीडियो पसंद नहीं आता है वो लोग मेरा वीडियो ना देखें। और जो लोग बोलते हैं ना कि वीडियो मत बनाओ, तुम्हारा वीडियो अच्छा नहीं लगता है, मैं जब अपलोड करती हूं तो मैं देखती हूं कि वही लोग पहले मेरा वीडियो देखते हैं। हमारे बिहारी में तो लोग का मतलब है ही जलना, क्योंकि कोई लेडीज़ कुछ कर दे, वीडियो बना दे, कुछ बना दे, तो हमारे बिहारी में छोटे से बात को इतना बड़ा इशू बना देते हैं ना, कि मतलब जो लेडीज़ कुछ करना भी चाहे तो वो डर के मारे वो लोग को बात सुन के मतलब करना बंद कर दे। तो मुझे भी बहुत सारे, मतलब हमारे पड़ोसी भी बहुत सारे बोलती थी, मतलब जो लेडीज़ थी वो आके हमारे घर पे भी बोल के जाती थी कि मेरे सास को कि आपकी बहू वीडियो बनाती है ये वो। तो मेरे मतलब मेरे घर में कोई कुछ नहीं बोलता था, कोई भी कुछ नहीं बोलता था, मेरे वीडियो बनाने से किसी को भी प्रॉब्लम नहीं थी। बस जो प्रॉब्लम है वो हमारे रिश्तेदारों को है और मेरे जो अपने हैं उनको है। तो उन लोगों से मैं कह देती हूँ कि मेरा वीडियो ना देखे, मुझे ब्लॉक कर दे फेसबुक पे। और जो लोग मुझे बोलते हैं ना फेसबुक पे मैंने मतलब वीडियो में अपलोड करती हूँ, तो फेसबुक पे ज़्यादातर वही लोग मुझे मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक तो करते नहीं हैं, लाइक से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लाइक करो ना करो, लेकिन मेरा वीडियो देख के मुझे कॉमेंट मत करो। तो वीडियो देखना है तो देखो, नहीं देखना है नहीं देखो, पर कॉमेंट मत किया करो। तो यही बात है जो कि हमारे बिहारी में कोई मतलब, जैसे मैंने अभी कर दिया वीडियो बना दिया, तो को पता चल गया होगा कि मैंने क्यों वीडियो, मुझे मन नहीं था आज बनाने के लिए, और अगली बार से मतलब मुझे मैंने ये वीडियो क्यों बनाया है, क्योंकि जो लोग मुझे मतलब वीडियो बनाने से मना करते हैं उन लोगों के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि मेरा वीडियो देखकर कमेंट ना करें, और अगर कमेंट करना है
अगर मुझे वीडियो नहीं देखना है तो मत देखिए, मुझे ब्लॉक कर दीजिए और कमेंट मत करिए। और अगर कमेंट करेंगे दोबारा तो मैं आपका नाम मेंशन कर दूंगी इस वीडियो में, अगली बार वीडियो में। तो प्लीज़ मेरा वीडियो मत देखिए, जिनको पसंद नहीं हो उनको मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादातर खास करके मैं अपने लोगों से बोल रही हूँ जो कि मुझे ज़्यादा कमेंट करते हैं, तो मैं उनको बोल रही हूँ प्लीज़ मेरा वीडियो मत देखिए।